ईब ने उतना है, ईब है ललकारा। जमीन की लड़ाई नहीं है, हम नहीं दिखा देंगे। हम बोधे हैं, अग्योधे हैं, ये बता दें। भगवान परशुराम के अपमान के बाद भी अगर किसी की जीव का लकवा लग रहा है तो लाग्या रहेगा, जो समाज भी देख लेगा और ऊपर भगवान अपने आप देख ले। और आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं अनिल खत्री। इस समय भगवान परशुराम चौक पर हम मौजूद हैं और यहां पर जो है भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की है और यहां पर जो है आज मूर्ति का अनावरण है। नवीन जैन यहां पर पहुंचे हैं। नवीन भाई क्या कहना चाहोगे, आज जो है मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं सबसे आज खुशी का दिन है गोवाणा में, और मैं उन नौजवानों ने जिन नौजवानों ने इस चौक के लिए इस प्रतिमा के मूर्ति के लिए काम किया उनको बधाई देता हूँ। भोलेनाथ भगवान परशुराम सबका भला करें, सब ने स्वस्थ रखें। आज तो यही कहा जा सके। नवीन भाई पूरे प्रदेश में घूम घूम के पहले एक महीना आपने न्योता दिया, आप दोबारा फिर 21 तारीख का न्योता दे रहे हो? ईब न्योता ना है, ईब है ललकारा। जमीन की लड़ाई नहीं है, हम नहीं दिखा देंगे। हम बोधे हैं, अग्योधे हैं, ये बता दें। न्योता दे दिया, पहला ईब है ललकारा। दूसरी बात ये है, उस कंस मामा ने बता दिए भगवान परशुराम का अपमान होया, जाइंद गेलें तो सुनी राख लेता सोब है। भगवान परशुराम का अपमान करा है कंस मामा ने, बुला दिए। अरे ये उसकी हार है, आड़ा बुलाया नहीं कंस मामा की। कौन है कंस मामा जानता होगा ना, मुख्यमंत्री। ठीक है, ललकारे में क्या फर्क है? ललकारे में यो है आन बान शान की, स्वाभिमान की लड़ाई है, जमीर की लड़ाई है, भी स्पेशल। आप एक बात कहो, मुख्यमंत्री कितने तभी आ जाओ उड़े हरा देंगे, मतलब आप पूरे मुख्यमंत्री कितने रैली टेको, किसे समाज की रैली टेको, हरा देंगे फिर नवीन जैन करनाल देना हरा दे। अरे यार राजनीति की बात नहीं है मेरे भाई, राजनीति वाली बात तो नहीं है ना, बिना राजनीति तो ये तो मैंने तो ये कही थी सीएम साहब को बुलाया था आ जाओ, नहीं तो भी किसका प्रोग्राम, कितने टकवाले प्रोग्राम, लोकतंत्र है ना, तो लोगों की वो तो देखनी हो है यार। मैं किसी पार्टी में तो हूँ नहीं, जब इतनी भीड़ आपके साथ है, परिवर्तन की एक बात है तो क्यों ना नवीन जैन करनाल में बराबर में पीपी टेक कर। अरे एक मिनट, भीड़ कौन है मेरे भाई, मेरे तो मैं क्यों हूँ पंचायत का मेंबर, कौन है भीड़ ना है, यो दाई यो दा मर्द मानस का आरोप है। आपके देखे थे परसों के भी देखे हैं, इनको पूरा जन सैलाब उमड़न लग रहा है। भाई है प्यार है, भैया का प्यार है, करनाल में क्या दिक्कत है, करनाल में? अरे करनाल में भी तो जाऊँ मैं, अच्छी बात कर रहा है मुख्यमंत्री जो रैली ना टेकता, इलेक्शन में रहा दो, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात, करनाल में रैली टेकवा। सदा की आप बात लगातार उठा रहे हो, आपके समाज के क्यों नहीं समाज का साथ दे रहे फिर? वाउन तबूज भाई वे आवत उन तबूज में क्या बताऊं इस बारे में, वाउन तबूज मैं अपने बता सकूं, जिनकी भगवान परशुराम के अपमान के बाद भी अगर किसी की जीव का लकवा लग रहा है तो लाग्या रहेगा, जो समाज भी देख लेगा और ऊपर भगवान अपने आप देख ले। और भगवान परशुराम की जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ रेड पड़ जावे, एक दर्जन केस है, दो दर्जन हो जाएंगे यार, क्या बात है। अच्छा, आर्डर ना गए है, भगवान परशुराम के चेले हैं।